अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले का मुख्यालय है, जो कि मध्य भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। अंबिकापुर शहर की आबादी 2,14,000 से भी अधिक की है, जो कि 36 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ का 8वां सबसे बड़ा शहर है। सरगुजा जिला 4 सब डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है, जिसमें अंबिकापुर, बडोली, लखनपुर, लुंद्रा, मेनपट, सीतापुर और उदयपुर शामिल है। दोस्तों, सरगुजा एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के वर्किंग पॉपुलेशन के 90% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, ये जिला अपने मिनरल रिच लैंड्स के लिए जाना जाता है, जहाँ भरपूर मात्रा में बॉक्साइट, कोल और सल्फर जैसे अन्य खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सड़क पर अधिकतर गाड़ियाँ CG-15 नंबर प्लेट की दिख जाएं, तो समझ लीजिए आप अंबिकापुर में प्रवेश कर चुके हैं। अंबिकापुर राजधानी रायपुर से 332 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ये फासला राजधानी दिल्ली से 1125 किलोमीटर की दूरी का है। दोस्तों, अंबिकापुर को बैकुंठपुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम आगे चलकर माता अंबिका के नाम पर अंबिकापुर कर दिया गया। अंबिकापुर को भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर के सम्मान से नवाजा गया है। इस जिले की मुख्य नदी रिहांद है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 80% हिंदू, 11% मुस्लिम और 8% क्रिश्चियन धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के साधनों पर नजर डालें तो यहाँ का अंबिकापुर रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से रेल के माध्यम से जुड़ा है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 130, 43 और 343 से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का दरिमा एयरपोर्ट सरकारी एवं निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट बिलासपुर एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 217 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में, जिसके बिना अंबिकापुर शहर का भ्रमण अधूरा है। आप यहाँ ऑक्सीजन पार्क, महाराजा पैलेस, गुनगुट्टा डैम और यहाँ के महामाया मंदिर में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।